हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं पोस वड़े जो पोस के महीने में बनाए जाते हैं। जयपुर के पोस वड़े बहुत फेमस हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस महीने में बनाइए और गर्मा गर्म पकौड़ों का लुफ्त उठाइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पोस वड़े बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इनसे पकौड़ों का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और 150 ग्राम मैंने लोबिया या चौंगा लिया है। इनकी जगह आपको मोठ की दाल मिले तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी। और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, टेस्ट के अनुसार नमक, अदरक और लहसुन जिनको मैंने छील के साफ करके रख लिया है, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, 1 बड़े प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया और 2 हरी मिर्ची को भी मैंने बारीक कट कर लिया है, हरा धनिया जिसको भी मैंने काट के रख लिया है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और थोड़े से हरे प्याज के पत्ते। 6-7 घंटे हो गए दाल को भिगोए हुए और ये अच्छे से फूल चुकी है। देखिए अच्छे से भीग गई है ये। अब इसका पानी निकाल लेते हैं और 3 से 4 अच्छे पानी से साफ करके इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा पीस लिया है लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा तो मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। दाल का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया है, एकदम दरदरा पेस्ट बनाया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह का पेस्ट आप तैयार कर लीजिए। दाल के अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं, ये लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, नमक, अजवाइन, अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप इसे स्किप ना करें, साबुत धनिया, गरम मसाला, क्रश किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया और हरे प्याज, इन सबको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दाल का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है, मसाले मिला लिए मैंने, तो चलिए पकौड़ी बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है, मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूंगी और छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसमें डाल दूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है वरना पकने में टाइम लेगा। अंगुलियों के बीच में इस तरह से पेस्ट रख के अंगूठे से हम इसे छोड़ देंगे। ये दाल की पकौड़ी है तो आप इन्हें ज़्यादा बड़ी ना बनाएं। देखिए पेस्ट ऐसा रखना है, ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ये आसानी से नीचे गिर रहा है वरना इसका शेप है वो अच्छे से नहीं आएगा। इस तरह से पलटते हुए हमें इन्हें चारों तरफ से सेक लेंगे, गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए पकौड़ी का कलर है वो बहुत अच्छा आ गया है, ये पक चुकी है, गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, इसी तरह मैं सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। सभी पोस वड़े बनके तैयार हो गए हैं, आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं।